नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टैली ERP9 का वीडियो चल रहा है और ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है। इसमें हम लोग देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल के बारे में। इसको देखने से पहले आइए फ्रेंड्स, एक बार हम अपना सिलेबस चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेबस है जो ओवरव्यू ऑफ टैली से स्टार्ट होकर हमारा ये सारे टॉपिक्स के वीडियो हमारे पढ़ चुके हैं। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो को ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स बिल ऑफ मटेरियल, BOM। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग टैली के अंदर चलते हैं और इसको देखते हैं कि हमें कैसे करना है। फ्रेंड्स, हमने ये टैली में कंपनी बना रखी है बिल ऑफ मटेरियल्स के नाम से, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल पे वर्किंग करने से पहले आइए एक बार हम लोग असाइनमेंट चेक कर लेते हैं कि असाइनमेंट कौन सा है, हमें क्या क्या वर्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा असाइनमेंट है और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कैपिटल है आपके पास 50 लाख रुपीज़, बैंक डिपॉजिट है 25 लाख रुपये, बैंक विड्रॉल है 20 लाख रुपये, परचेज है। परचेज में फ्रेंड्स एक कंप्यूटर का यहाँ पे ग्रुप होगा, कंप्यूटर का आपका पूरा ग्रुप रहेगा और इन्वेंट्री ग्रुप रहेगा ये। और इस कंप्यूटर के ग्रुप के अंदर आपको बनाना है मॉनिटर का स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, कीबोर्ड का, माउस का, सीपीयू का, रैम का। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको स्टॉक पे वर्किंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा जो स्टॉक पे वर्किंग वाला जो लेक्चर है वो लेक्चर अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये सभी हम क्या करेंगे, परचेज में जाके परचेज कर लेंगे। और परचेज करने के बाद हमें सेल क्या करना है ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स सेल करना है हमें HCL MyPC, ये आप देख रहे हैं HCL MyPC हमें सेल करना है और 3000 रुपीज़ पर पीस प्रॉफिट पे। तो एक बार फ्रेंड्स समझ लीजिए कि बिल ऑफ मटेरियल में होता क्या है। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि जैसे जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, कई सारे अलग अलग कंपनियों से रॉ मटेरियल लेता है और रॉ मटेरियल लेने के बाद वो क्या करता है, उसका एक प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट बनाने के बाद तब उसे मार्केट में बेचता है। तो फ्रेंड्स बिल ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग यही करते हैं कि अगर हमने कई सारे मटेरियल्स को मिला के एक कोई प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है तो इस प्रोडक्ट की क्या कॉस्टिंग आएगी, वो कॉस्टिंग निकालने के लिए विद लेबर चार्ज विद ऑल एक्सपेंसेस क्या कॉस्टिंग आएगी, वो कॉस्टिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो सपोज एक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा शोरूम है और वो क्या करता है, कंप्यूटर के पार्ट्स टुकड़ों में लेके उसे असेंबल करके अपना कोई ब्रांड बना के बेचता है। तो उसने मॉनिटर ले लिया, कीबोर्ड ले लिया, माउस ले लिया, सीपीयू ले लिया, रैम ले लिया, उसने क्या किया, ये पूरा थोक में किसी से खरीद लिया। उसके बाद उसने क्या किया, उन सबको असेंबल करके अपना HCL MyPC के नाम से अपना एक कोई ब्रांड बनाया और उस ब्रांड से वो मार्केट में सेल कर रहा है। तो 3000 रुपीज़ पर पीस उसकी जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के बाद वो प्रॉफिट ले रहा है। तो फ्रेंड्स आइए इसको टैली में कैसे करते हैं, हम लोग टैली में चल के देखते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा टैली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इनिशियल्स लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे कैपिटल का क्रिएट करना है, बैंक का, परचेज का, सेल्स का, और जब ये वर्किंग करेंगे तो इसमें कुछ मजदूरी भी लगेगी तो वेजेस का भी क्रिएट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगेगा उसका भी लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे गए फ्रेंड्स, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे गए, लेजर पे गए और क्रिएट किया। यहाँ पे मैं यहाँ से मल्टीपल लेजर क्रिएशन यूज कर लेता हूँ। यहाँ से एंटर, हमारे पास है कैपिटल। फ्रेंड्स ये हमारे लेजर क्रिएट हो गए, कैपिटल का हो गया, ICICI बैंक का अकाउंट हो गया हमारा, परचेज का हो गया, सेल्स का हो गया, वेजेस का हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया। एक्सेप्ट कर देंगे, हमारे लेजर्स क्रिएट हो गए।
फ्रेंड्स, लेजर क्रिएट करने के बाद हम आएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे जाएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। जाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप बना लेंगे, क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक ग्रुप यहाँ पे कंप्यूटर के नाम का, कंप्यूटर। और यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बी एडेड को यस कर देंगे। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टॉक ग्रुप वाला अगर नहीं जानते हैं स्टॉक ग्रुप क्या होता है, तो स्टॉक ग्रुप का पूरा एक लेक्चर है हमारा, उसको जरूर देखें। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद फ्रेंड्स हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाना होगा। यहाँ से चूंकि कंप्यूटर है हमारा, तो कंप्यूटर के सारा आइटम पीस में ही होता है, तो सिंबल में हम पीस ले लेते हैं, एंटर। और इसके बाद हम आएंगे स्टॉक आइटम पे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है, एक बार देख लेते हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, रैम है। मॉनिटर कंप्यूटर का ग्रुप होगा, पीस होगा फ्रेंड्स, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जानते होंगे आप लोग, और रैम। रैम 1 GB का रैम है हमारे पास, रैम 1 GB। ये हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं यहां से, ऑल्टर में जाके कंप्यूटर पे जाके एंटर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सीपीयू कंप्यूटर, इसका ग्रुप है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, रैम 1 GB। ये हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये रॉ मटेरियल का हमने स्टॉक बना लिया। अब फ्रेंड्स इसके बाद एक काम और करना है, एक स्टॉक और क्रिएट करना है, जो कि हमारा कंपनी का मेन प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो है वो भी तो हमारा स्टॉक ही है, उसको भी तो हम बेचेंगे, तो उसका भी हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। उसका यहाँ से गए और हमने क्रिएट किया HCL माई PC। एंटर, कंप्यूटर के ग्रुप में रहेगा, पीस होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है बिल ऑफ मटेरियल का, BOM का, बट वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे F12 बटन प्रेस करेंगे, F12, और इसमें लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये लास्ट ऑप्शन इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल, इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद ये देखिए ऑप्शन आ गया। ये फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिए कि ये ऑप्शन केवल HCL माय PC वाले स्टॉक पे ही एक्टिवेट करना है, बाकी सब पे नो रहेगा, तो इसको हम यस कर देते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ BOM, यहाँ पे हम ले लेते हैं कंप्यूटर, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें बताना है कि एक यूनिट बनाने में, यानी एक पीस बनाने में कौन कौन सा आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में लगेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा 1 यूनिट ही होना चाहिए, यानी एक ही होना चाहिए क्वांटिटी में। इसके बाद एक पीस कंप्यूटर बनाना है तो CPU 1 लगेगा, आपका कीबोर्ड भी 1 लगेगा, मॉनिटर 1 लगेगा, और माउस 1 लगेगा। और फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि रैम जो है कंप्यूटर के अंदर 2 GB का होना चाहिए, 2 GB का रहे, तो रैम हम 2 पीस लगा देंगे, तो 1 GB का, 2 GB का हमारा रैम तैयार हो जाएगा। एंटर किया हमने, करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। फ्रेंड्स ये हमारा सेव हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सीधे वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर पे आना है, वाउचर एंट्री पे, और हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले कैपिटल लगा देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बिना कैपिटल की कोई कंपनी नहीं होती। तो कैपिटल मान लीजिए हमने लगा दिया यहाँ पे 50 lakh rupees। देख लेते हैं सेम जो असाइनमेंट में, यही डालते हैं असाइनमेंट में हमारा 50 lakh। हाँ ठीक है, यहाँ पे
50 लाख रुपीस बाई कैश, ये हमारा कैपिटल लग गया। बैंक डिपॉजिट 25 लाख रुपीस, यहाँ से कॉन्ट्रा में चले गए, टू कैश ही रहेगा और 25 लाख रुपीस ज़्यादा हो गया, 25 लाख रुपीस हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, बैंक विड्रॉल करना है 20 लाख रुपीस, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 के साथ बैंक आएगा और 20 लाख रुपए यहाँ पे, ये आपका फ्रेंड्स हो गया। इसके बाद एक सेकेंड डेबुक में ज़रा चेक कर लेते हैं, डेबुक में 20 लाख की एंट्री, सही है फ्रेंड्स, ये हमारा कैपिटल और डिपॉजिट विड्रॉल हो गए। इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो स्टार्ट होता है आपका परचेज से। परचेज में हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, गए F9 शॉर्टकट की प्रेस किया, F9 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, यहाँ से परचेज में चले जाएंगे। परचेज में जाने के बाद यहाँ से हमने कैश चूज की और परचेज ले लिया। परचेज के बाद हमारे पास स्टॉक्स क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, असाइनमेंट में चेक कर लेते हैं। ये मॉनिटर 15 पीस 3000 रुपये के रेट से, कीबोर्ड 50 पीस 300 रुपये, माउस 50 पीस 200 रुपये, CPU 10 पीस 12000 रुपये, रैम 1GB 50 पीस 700 रुपये। तो यहाँ पे ले लेते हैं मॉनिटर 15 पीस और ये आपका 3000, कीबोर्ड 50 पीस आपका 300 रुपीस। फ्रेंड्स ये हमारी एंट्री हो गई, मॉनिटर कीबोर्ड माउस रैम, ये परचेज की एंट्री हो गई फ्रेंड्स हमारी। परचेज की एंट्री करने के बाद हम इसको एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब फ्रेंड्स एक बार हम स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक समरी देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे हम गए स्टॉक समरी, एंटर प्रेस किया, ऑल्ट F1 शॉर्टकट की प्रेस करिए। ये देखिए CPU है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, रैम है, ये स्टॉक यानी रॉ मटेरियल फ्रेंड्स आपने खरीद लिया। अब रॉ मटेरियल खरीदने के बाद क्या करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, यानी कि आपको इसका पूरा एक कंप्लीट अपना प्रोडक्ट तैयार करना। तो इस फ्रेंड्स इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, हमें एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल तैयार करना होता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे, यहाँ पे वाउचर क्रिएट करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल नाम का एंटर करेंगे। और इसका जो अंडर होगा वो होगा फ्रेंड्स स्टॉक जर्नल। एंटर करने के बाद लास्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका आता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट ऑप्शन आपका है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको हमें यस करना होगा। यस करने के बाद इसको सेव कर देंगे, ये हमारा एक नया वाउचर टाइप क्रिएट हो गया। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अपना प्रोडक्ट तैयार करना है। अब अपना प्रोडक्ट तैयार करना है, इसके लिए अगेन हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे ऑल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे। और जैसे ही फ्रेंड्स हम लोग ऑल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएगा, एक स्टॉक जर्नल का जो कि पुराना शॉर्टकट आप जानते ही हैं, नेक्स्ट आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का जो नया हमने बनाया था एक न्यू वाउचर, इसको हम चूज करेंगे। इसको चूज करने के बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट HCL MyPC ले लीजिए आप। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहते हैं, तो जो फ्रेंड्स जो मैक्स क्वांटिटी होती है किसी भी आइटम की उतना हम लोग बना सकते हैं। जैसे 15 पीस मॉनिटर है, कीबोर्ड 50 है, माउस 50 है, CPU 10 है, रैम 50 है, बट अगर हम 10 पीस या 12 पीस या 15 पीस बनाना चाहते हैं तो रैम दो दो डबल पीस यूज होगा और बाकी सभी सिंगल पीस यूज होंगे। तो चूंकि CPU हमारे पास 10 पीस है
तो जब 10 पीस है तो मैक्सिमम जो क्वांटिटी बनेगी वो 10 ही बनेगी, क्योंकि सीपीयू भी हर पीस में एक एक यूज हो रहा है। तो ये चीज फ्रेंड्स ध्यान देनी है। आइए, तो मैक्स क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाल दिया 10, एंटर करेंगे। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप क्वांटिटी डाल के एंटर करेंगे तो सबका क्वांटिटी और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए रैम आपका 20 पीस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये सब ऑटोमेटिक आ गया। अब एंटर प्रेस करते हुए हम इधर से स्किप करके राइट साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे एंटर। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे जो मजदूरी लग रही है और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रही है वो हमें देना है। तो वेजेस का तो लेजर बनाया नहीं, तो यहीं से शॉर्टकट से बना लेते हैं। Alt प्लस सी प्रेस करेंगे, सेकेंडरी लेजर क्रिएशन में आ जाएंगे। वेजेस फ्रेंड्स आपका बना रखा है तो चूज कर लेते हैं। ये वेजेस आपका बना हुआ है, एंटर करेंगे। सपोज 1000 रुपीस की मजदूरी लग गई आपकी, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी बना रखा है। सपोज 500 की इलेक्ट्रिसिटी बिल लग गई आपकी, अब एंटर करेंगे। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपका टोटल एडिशनल कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट, एलोकेशन टू प्राइमरी आइटम, इफेक्टिव रेट टू प्राइमरी आइटम। तो एडिशनल कॉस्ट आपका 1500 रुपये जो अतिरिक्त खर्चा लगा है ये, और उसके बाद आपका टोटल जोड़ के 170,500 रुपये 10 पीस को बनाने में आपका खर्च हुआ है। इफेक्टिव कॉस्ट आपका ये टोटल अमाउंट, टोटल जो 10 पीसेस बने हुए हैं उसका टोटल कॉस्ट है। और रेट जो आपका निकला हुआ है ये यहाँ पे रेट शो कर रहा है, बट इससे एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि ये MRP नहीं है, ये आपकी कॉस्टिंग निकली है 17,050 रुपये पर पीस कॉस्टिंग है आपकी। अब इसके ऊपर जितना भी आप चार्ज करके बेचेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा, इवन उसमें भी आपका शोरूम वगैरह का चार्ज एडेड करके ही आप बेचेंगे, तो आपका शोरूम वगैरह का चार्ज जो भी ऐड करके बेचेंगे उसके ऊपर जो भी रहेगा आपका वो प्रॉफिट होगा। ये आपका कॉस्ट है, इससे इस रेट में तो बेचना ही नहीं है, इससे बढ़ा के ही बेचना है ताकि आपको प्रॉफिट हो। तो ये हो गया। इसके बाद से अब हम लोग आते हैं, एक बार स्टॉक समरी चेक करते हैं। यहाँ से गए स्टॉक समरी पे, एंटर किया। यहाँ पे देखिए HCL MyPC 10 पीस तैयार हो चुका है, कीबोर्ड 40 पीस बचा हुआ है, मॉनिटर 5 बचा है क्योंकि 15 था हमारे पास, माउस 40 बचा है, रैम 30 बचा है क्योंकि 2 पीस यूज किया हमने तो 20 यूज हो चुके हैं, 30 बचे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स बिल ऑफ मटेरियल का वर्किंग। अब इसके बाद सपोज हमें सेल करना है, तो 17,050 रुपीज कॉस्ट आई थी। तो यहाँ से हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे और F8 प्रेस किया सेल करने के लिए। कैश ले लेंगे यहाँ से सेल, और यहाँ से ले लेंगे HCL MyPC। सपोज 8 पीस हम बेच देते हैं, सेल कर देते हैं 8 पीस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 17,050 रुपीज़ ये हमारा रेट आ गया, एंटर करेंगे। एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे, ये हमारा सेल आउट हो गया। स्टॉक समरी में जाते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स HCL MyPC 2 पीस बचा हुआ है, 8 पीस आपका बिक गया, 17,050 रुपीज। एक चीज गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि इसमें आप लॉस में चले गए। डबल डी प्रेस करेंगे और यहां से जाके इसका सेल्स इसका रेट जब आप बढ़ा के बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। ये 17,000 है, 21,000 का बेचिए, 21,000 ये
अब जाके आपको प्रॉफिट हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बिल ऑफ मटेरियल का वर्किंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए youtube.com में लिखें टैली बाय विष्णु सर, या अपनी कंप्यूटर पाठशाला जो कि चैनल का नाम है, ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, ये हमारी मेल आईडी दी गई है, कोई भी क्वेरी है आपकी इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।